तो आपको पता चल गया होगा मेरा वीडियो कंप्लीट भी हो गया, मैंने देखा भी नहीं कितने मिनट का था, बट जो पीक पीक पे आने लगता है ना तभी मेरा वीडियो ख़त्म हो जाता है। ऑल्सो तो मेक दे मेक इट फॉर 1 आवर फॉर न्यू यूट्यूबर्स मतलब नॉट आई एम न्यू बट सब्सक्राइबर्स कम है ना, तो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो लेंथ रखा है ना यूट्यूब ने वो बहुत कम रखा है। आई एम नॉट अगेंस्ट सेइंग एनीवन बट आई डिमांड दैट जिन हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस होती है ना उसका जड़ क्या होता है ना वो मैं बता रही हूँ, तो वो अंडरस्टैंडिंग अगर आ जाए ना उन लोगों के बीच में तो मुझे लगता है, मुझे ये फील होता है कि मेजर जो क्लैशेस स्टार्ट होता है ना वो कुकिंग से रिलेटेड कुकिंग्स या फिर जैसे कुकिंग से रिलेटेड यानी कि फिर मनी फिर मॉनेटरी फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल इज ऑल्सो विल गो बैक टू कुकिंग ओनली, उसमें फीमेल्स बचा के अपना अपने लिए खर्चा करती हैं, समझ में आया। सो ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम खर्चा कर दियो, वो अपना बोलते ना मैंने घर खर्च से बचाया है उससे मैं कर रही हूँ, सो वी शुड नेवर इंक्लूड और थिंक कि ये ऊपर का खर्चा कर रही है या ये ज़्यादा खर्चा कर रही है। सो दिस ऑल मनी इज रिलेटेड टू किचन पार्ट ओनली, बाकी का दो पैसा तो फिर वो मेल्स ही इन्वेस्ट करते हैं और डायरेक्टली उन लोगों को देते हैं, तो घर खर्चे के लिए जो पैसा देते हैं उसमें से ही फीमेल्स हैव सच कंट्रोल कि वो एडजस्ट करती, जैसे मैंने भी बताया है कि अगर मैंने ये नहीं लिया तो मैंने कुछ और ले लिया, सो दैट डजंट मीन्स कि दे आर वेस्टिंग मनी, दे आर ट्राइंग टू बी वेरी लेविश या दे आर गोइंग बियॉन्ड कंट्रोल, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और दे आर यूजिंग देयर फ्रीडम टू सच एक्सटेंट वेर नाउ दे शुड फील द फियर, तो ये नहीं सोचना चाहिए। और मैं ये कह रही थी कि देखो मॉम ऑफ द हाउस होती है ना, इसमें से कुछ बातें मुझसे रिलेटेड है बट आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द हस्बैंड वाइफ क्लैशेस और उन लोगों के मेजर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं तो हेल्थ के बारे में बोल रही हूँ जो मुझे प्रॉब्लम है, यानी एक एक दो दो घंटा खड़े होके अगर मैंने खाना बनाया कुछ बनाया, मेरे घर में ऐसा कोई क्लैश नहीं है लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम्स होता है उसके बाद वो बताया, जैसे कि लोअर बैक पेन हो गया, फिर अगर मैंने आज कुछ अच्छा नहीं बनाया तो फिर मैं फिर भी मेरा स्टार्ट हो जाता है कि मैं ऐसा क्या फास्ट बनाऊं। मेरे दूसरे चैनल पे भी मैंने बताया है कि इतना प्रॉब्लम था कि मैं खड़े होके नहीं बना पा रही थी, बट मेरा बेटा रोटी ही खाता है। अब एक दिन होगा दो दिन होगा कि मतलब वन टाइम नॉट एक दिन फुल, पूरे दिन में दोनों बार बच्चा रोटी ही खाता है, तो अगर एक टाइम उसको रोटी नहीं दे पाए तो आई मेक श्योर कि मेरा कितना भी हालत ख़राब हो, मैं आई एम बेड रिडन ऑल्सो, बट मैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर देती हूँ या खुद बैठ के बना के उसको दे देती हूँ, दैट टाइम वी वोंट एक्सपेक्ट ना, क्योंकि हस्बैंड को तो आएगा नहीं, तो मैं उनके लिए भी इजी कर देती हूँ, मैं बोलूँगी कि वो पाँव लेके आ जाओ फिर भुर्जी खा लेंगे उसके साथ, तो दे ईट भुर्जी पाँव या ब्रेड, पाव नहीं मिला तो, क्योंकि पाव के लिए भी एक बनवे रहेगा ना कि पाव से बना हुआ है, तो वो भी अगर इफ़ यू फील अबाउट अनहाइजीनिक पार्ट या कुछ आपने ऐसा देख लिया कि चूहा था उधर वो था तो आप ब्रेड खा लो, तो ऐसा प्लानिंग मैं करती हूँ। मैं भी तो गृहिणी हूँ ना, तो मैं श्योर हूँ कि हर गृहिणी ऐसे ही अपने घर को चलाती है, लेकिन अगर उसके बाद भी क्लैशेस हो रहे हैं घर में, मेरे यहाँ कोई क्लैशेस नहीं है, मैं क्लैरिफाई कर दूँ, मेरे इधर ही सब बैठे हुए हैं, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द क्लैशेस, बिकॉज देखिए मैंने क्या बताया किचन और किचन से रिलेटेड बातों में क्लैशेस होते हैं,
सो वंस वी अंडरस्टैंड ना दिस पॉइंट सो वी विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग पीपल इन फ्यूचर इफ़ दे अंडरस्टैंड. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कहाँ पे मुझसे गलती हो गई, कभी कभी लोग सोचने भी लगते हैं कहाँ पे मुझसे ऐसी गलती हो गई. बात बोलने के लिए एक छोटी सी रहती है लेकिन वो हो सकती है बहुत बड़ी कि हमने ये पॉइंट तो मिस कर दिया. तो अंडरस्टैंडिंग फॉर हजबेंड, अ फीमेल एक्सपेक्ट्स राइट फ्रॉम द किचन दैट ही अंडरस्टैंड्स राइट फ्रॉम द किचन इफ समथिंग इज डिलेड. अच्छा ठीक है, कोई इशू होगा अगर आपका बोलने का सलीका स्ट्रिक है, रूड है, यू राइट ऑन द पेपर, राइट ऑन द पेपर देन गो टू योर वाइफ, शी इज़ ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, थोड़ा सा लेट हो गया. ऐसा नहीं इतना लेट हो गया अभी तक नहीं बना. शी इज़ नॉट योर स्लेव. अच्छा सेकेंडली मैं बता दूँ, मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, फिर से बता देती हूँ. मेरा इनर सेल्फ मुझे बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके साथ हो रहा है. आई अगेन रिपीट दैट आई अंडरस्टैंड द फोर्सेस बिहाइंड दिस हैपनिंग्स एंड द प्रॉब्लम द फीमेल मे बी फेसिंग, दैट इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट डजेंट मीन दैट आई हैव फेस्ड दिस, आई हैव फेस्ड यू नो वॉट आई टेल, द टाइमिंग्स, बच्चे को स्कूल जाना है फिर हस्बैंड को जाना है तो तब तक खाना रेडी रहना चाहिए, तो दैट आई हैव फेस एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड दैट टाइम माय हेल्थ वाज आल्सो मतलब नाइस, नॉट पिंक ऑफ माय हेल्थ, माय गुड भी नहीं बोलूँगी, आई वाज ओके. सो मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं तो बहुत एकदम क्लीन चिट बच गई. अगर मैं ऐसे वक्त पे अगर हस्बैंड को जाना रहता, मेरा प्रॉब्लम बैड रिडननेस और ये लॉकडाउन और ये जो प्रॉब्लम पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है ना, साथ में हुआ है. तो अगर ये नहीं होता तो फिर मतलब पैंडेमिक अगर नहीं होता, उसकी वजह से जब बंद नहीं होता, आई एम सेइंग लॉकडाउन, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज स्टिल इट फील्स लाइक इट्स लॉकडाउन बिकॉज ऑल आर ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्ट इज लाइक ऑन द क्लोज्ड. It doesn't mean I stop that I don't know the word. It means some other word is coming on the verge of shutdown. How can transport be shut down? Then because I understand. एंड आई गेट फ्यू फ्लैशेज ऑफ फ्यू वूमेन. तो अभी ये स्टेटमेंट आया इसलिए मैं कह रही हूँ, वरना मैं नहीं कहती, मैं ऐसे ही बताती कि यहाँ पर हो रहा है या वहाँ पर हो रहा है. खाने से रिलेटेड आस पड़ोसियों की भी आवाज़ आती है तो पता चल जाता है कि क्या चल रहा है. खाने से रिलेटेड ही है, मैंने ये एक मेजर पॉइंट बताया है, मेजर पॉइंट, क्योंकि मेल्स का जो है ना, मेल्स अगर हम लोग नहीं सोचे तो चलो ठीक है, एक घर में सबका वीकनेस भोजन होता है. फीमेल्स को मैं क्यों नहीं बोल रही थी शुरू में, क्योंकि वो उनका वीकनेस नहीं है, वो इतना इतना फास्ट करती है ना, वो 36 घंटा भी नहीं खाएंगे, नीरा जल भी रह सकती हैं औरतें. वुमन, रिस्पेक्टफुल वर्ड आई फील इज़ वुमन. हिंदी में ऐसे ऐसे वर्ड है बट वो जैसे आपके स्टेटमेंट में ऐसा फोर्सफुल लगना चाहिए ना, तो वुमन, वुमन पावर, औरतों की शक्ति कैसा लगेगा ना, तो नारी शक्ति कितना अच्छा शब्द है. तो जो शब्द जिधर अच्छे लगते हैं और उसके उससे रिलेटेड वो रिस्पेक्ट फील होते हैं ना, वही वर्ड अच्छा लगता है. तो कोई वर्ड गलत नहीं कहेंगे क्योंकि वो डिक्शनरी में है, वो वर्ड है डिक्शनरी में, दैट मीन्स दैट इज़ रिस्पेक्टफुल वर्ड. बट हाउ वी पुट दोज वर्ड्स
क्या ये शब्द इस स्टेटमेंट में अच्छा लगेगा, इस सिचुएशन में अच्छा लगेगा? ऐसे कंडीशंस और ऐसे स्टेटमेंट्स अगर मैं सोचती हूँ तो आप तो ये समझ जाइए मेरा वीडियो देखकर कि मैं सामने वाले को बहुत समझती हूँ। एंड व्हेन आई गेट फ्लैशेस और व्हेन आई हियर अराउंड सो आई अंडरस्टैंड दैट फूड इज द मेजर कॉज ऑफ क्लैशेस। फूड वीकनेस वही है जिसमें आप थोड़ी फीमेल्स भी हो सकती हैं, वीकनेस ऑफ फूड। लेकिन मैं बता दूँ दैट इज़ नॉट द फर्स्ट वीकनेस ऑफ एनी फीमेल। देयर वीकनेस इज कुकिंग ऑफ फूड। तो अगर फूड से कनेक्ट करना है फीमेल को, दैट इज कुकिंग फूड इज द वीकनेस ऑफ फीमेल। उनको खाना बनाना अच्छा लगता है, अच्छा खाना खिलाना अच्छा लगता है, और वो इतने दूरी तक चले जाएंगे ना कि मैं इतना बचत कर लूँ कि इसके बाद मैं समझिए माल पुआई बना के खिलाऊँ। माल पुआई है ना, रिच फूड अपने घर वालों को, काजू डालूँ, बादाम डालूँ, ऐसे डाल डाल के पीस पीस के वो पनीर की सब्ज़ी बना देंगे। इतना रिच फूड बनाती हैं अफगानी, तो ये सब ऐसे उसमें ना काजू पड़ते हैं ना, तो ऐसा बनाती हैं। तो जो अपना इतना डेडिकेशन, मुझे लगता है ऐसे कि अपने शरीर को ही जोंक दे दी है कुकिंग करने में, इतना समर्पित रहती हैं। लेकिन अगर इतनी मेहनत के बाद अगर कुछ कम हो गया और पति ने कह दिया एक दो घंटे की मेहनत के बाद, चूल्हा पे जो फीमेल बैठ के काम करती, सोचिए गर्मी में, वो भी मैं गांव में देखी हूँ, मैं भी बैठी हूँ, मैंने भी चूल्हा जलाया है, तो इसीलिए मैं सब समझती हूँ। बहुत सारी हमारे बहनें बात करती होंगी इस बारे में, लेकिन वो शायद इस तरीके से नहीं बताती होंगी जो मैं समझी हूँ। जो आपको ऐसा लगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये बहुत झुलस के या बहुत टॉर्चर होके आई है, मेरा स्टेटमेंट्स ऐसे ही लग रहा है ना लेकिन यह सच नहीं है, मैंने देखा है। तो ऐसे ही अगर आप लोग अपने आसपास देखेंगे और समझेंगे जैसे मैं समझी हूँ, तो मुझे खुशी होगी। गुस्सा आता है मैं मानती हूँ, लेकिन जस्ट उसको हिट करके टंग के बाहर लाने से पहले हम ये कोशिश कर ले कि जिसे कह रहे हैं उसको हर्ट ना हो, या फिर उसके बाद तुरंत से थोड़ा सा लीपा पोती कर दो तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा। लेकिन उस लेवल तक मत जाने दो, हमने कह दिया उसके बाद पश्चाताप तो आता है ना कि अरे मैंने ऐसे कह दिया, तब तुरंत आप वो थोड़ा सा बटरिंग कर दो वाइफ्स को। अगर माँ को कहें तो माँ को करो बटरिंग। थोड़ा स्टेटमेंट इनकम्प्लीट रहेगा तो साउंड्स लाइक समथिंग दैट आई एम नॉट स्पीकिंग प्रॉपरली, इसके लिए मैं आगे तुरंत कह देती हूँ। कहो या शो करो, या फिर शाम को वापस जाते वक्त कुछ लेके चले जाओ, जो हमने मूवीज से सीखा है ना, एकदम सही है। सो दैट इज़ व्हाट अ फीमेल वांट्स, अ मॉम ऑफ द हाउस वांट्स, दैट इज़ अ वांट। सो अंडरस्टैंड वांट एंड नीड। नीड इज़ योर फूड विच यू वांट टू ईट इन केस विथ फुल ऑफ लव, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द वांट्स ऑफ फीमेल्स, the woman of the house, the leader of the house, the mom of the house, she'll be leading, right? और ऐसा heart, ऐसा dedication लेके male of the house he cannot do cooking, क्योंकि हमारी तो प्रथा है ना, शुरू से हम लोग cooking करते हैं, तो आदमी वो dedication नहीं करेगा देखना, या अगर नहीं तो फिर उन पर वही टैग आएगा दैट ही इज़। इफ़ इन केस कोई मेल इतना डेडिकेशन से कुकिंग करते कुछ भी करते हैं ना, तो उनके लिए मॉम ही वर्ड आता है, कोई नहीं कहेगा डैड उनको। तो
जो मॉम के लिए शुरू से ही इतना सबको पता है, तो वो मॉम आपके बच्चे की मॉम है ना, तो मॉम शब्द हट जाता है अगर वो टैग आपकी मॉम के ऊपर वो टैग है मॉम, लेकिन आपके सामने आपकी वाइफ खड़ी है बट शी इज़ ऑल्सो मॉम ऑफ योर चाइल्ड, सो अंडरस्टैंड दैट शी इज़ ऑल्सो मॉम, हैव द सेम रिस्पेक्ट फॉर हर, ऐसे हाँ वाइफ है तो मतलब ऐसा नहीं है, दैट विल लीड टू क्लैशेस, शी हैज़ अ बिगर डिग्री व्हेन शी बिकेम अ मॉम, राइट। वो जो हॉस्पिटल से जब बच्चे लेके आते हैं ना बाहर, कितना बड़ा पोस्ट उनको मिल जाता है मॉम का, तो उनको देखो कि ये घर की माँ है, बच्चे की माँ है, जो बच्चे की परवरिश कर रही है, बच्चे का फ्यूचर बना रही है। मेरा बच्चा आगे चल के इतना बड़ा कल को देश का प्रधानमंत्री बना, तो मेरी वाइफ तो बहुत ग्रेट है जिसके ऊपर एक मॉम टैग है, ऐसा देख सकते हैं हम लोग, ऐसे देखो, देखने की कोशिश करो, जो रिस्पेक्ट मॉम के लिए है, उस शब्द के लिए है, वो शब्द से रिलेटेड वो रिस्पेक्ट लाने की कोशिश करो, अगर वाइफ के लिए नहीं आ रहा है तो किसी के लिए तो आपको होगा ना, घर में आपको घर में किसी के तो रिस्पेक्ट होगा, इनकेस अगर आपको फीमेल्स के लिए और ख़ुद की मॉम के लिए भी रिस्पेक्ट नहीं है तो उस घर का तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तो क्लैशेस तो फिर रहेंगे, या तो वो औरतें इतनी डरी हुई रहती होंगी वो अपनी ज़िंदगी कैसे निकाल रही होगी, फिर उनसे पूछना होगा। और ऐसे मेल्स तो कोई वो ही होंगे जो जिनका थिंकिंग ऐसे ही होगा जब उनके पास भी कुछ पावर्स होंगे, डोमिनेटिंग नेचर कहते हैं ना, सच मेल्स आर डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स, वो डोमिनेट फीमेल्स इन द हाउस, तो अपनी माँ को भी कुछ नहीं समझते हैं। तो ऐसे घर में क्राइम्स होते हैं, देख लेना, ऐसे घर में जहाँ पे फीमेल्स की इज्जत नहीं होती ना, वहाँ पे क्राइम्स हो जाते हैं, बिकॉज आप सुनते ही नहीं हो, जिसकी इतनी प्यारी आवाज़ होती है, मतलब हम लोगों की आवाज़ कितनी मीठी होती है और वही आदमियों की आवाज़ कितनी लाउड होती है, थोड़ा सा आवाज़ रेस करके कह देंगे तो पूरा घर चुप हो जाएगा, कड़क आवाज़ होती है ना, लेडीज़ कितना भी कड़क आवाज़ में भी कहे लेकिन वो सब लोग इतना नहीं डरेंगे, जो डरेगा जो उनको जानता है, बाकी लोग नहीं डरेंगे, बोले कौन इतनी कड़क आवाज़ में कोई फीमेल बोल रही है, तभी भी कितनी प्यारी लगती कि कड़क से बोल रही है, तभी भी आवाज़ सॉफ्ट ही रहता है ना, इसलिए प्यारी लगती हैं। लेकिन मेल्स की आवाज़ लाउड रहती है, और अगर वो लोग डांट दे चिल्ला दे तो फिर तो और रूड और साउंड करता है ना, कर्कश भी लग सकता है, इसीलिए जो है क्लैशेस से बचें। अगर हो चुका है क्लैशेस तो फिर उससे बाहर आने के उपाय देखिए, वीडियो में कुछ कहना था मैंने कह दिया, आज का मेरा यही था बताना, आज मैंने बनाया था मटकी होती छोटी छोटी मटकी की सब्जी, ग्रेवी वाली, राइस चपाती, और हस्बैंड को मैंने पराठा दे दिया था, बच्चे को मेरे पापड़ बहुत पसंद है तो पापड़ और ककड़ी अचार ये सब, तो ऐसे हम लोग, मैं मतलब क्या कहूँ, तारीफ करूँ या क्या कहूँ, ड्रॉप कर देती जान, मतलब आज हमने ये खाना खाया है, टेक इट पॉजिटिवली, ओके आ जाओ।
वैसे भी सबको बाहर तो आना ही है, कौन कब तक अंदर रहेगा। मेरे बेटे को ना आदत है कुछ भी खाने से पहले ना, कुछ भी यानी कि जो डब्बे में स्नैक्स होते हैं ना, मैं ये खाऊँ तो आप सोचो कोई ना कहेगा क्या, इतना प्यार से कोई पूछेगा तो हाँ खा लो खा लो पूरा खा लो। मैं हमेशा ऐसी, वो उसका बचपन से आदत है, उसको मैंने कहा है कि सब आपका ही बेटा, आप खा लिया करो, लेकिन उसको हमेशा आदत है, अभी तक पूछ के ही खाता है, ये मैं खाऊँ वो मेरे पास लेके आएगा, ये मैं खाऊँ तो अच्छा भी लगता है। और फिर वो लोग इतने स्वीट होते हैं, इनोसेंट होते हैं, तो घर में एक बार कोई इतना इनोसेंटली आ जाते हैं, और एक माँ का बच्चे के लिए, इसके लिए, और हाँ बच्चे के खुद के बेटा को खा लो ऐसा नहीं कहा मैंने। अरे आपने सुना ही नहीं, सो वॉच माई यूट्यूब चैनल, ओके वॉच माई यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच इट आज के आज 1K सब्सक्राइबर्स कर दो। अच्छा इस बात से मुझे एक बात और समझ में आया कि कभी कभी हम लोग किसी का कितना भी तारीफ कर लेना, वो सोच रहा होगा कि ये तो मेरी बुराई कर रही होगी। देखो ये भी एक मतलब कितना भी बेटे के लिए करो तो ये लोग आगे चल के वो ही मेल्स ही होते, वो वाले जिनको कहीं ऐसा ना हो कि शक की हो जाए या फिर सोचे कि अच्छा ये तो मेरी बुराई कर रही है। जो सब दिखाया जाता था ना पहले, वो सब मूवीज़ के थे स्टोरीज़ कि औरतें ऐसी होती है, गप्पा गोष्ठी गॉसिपिंग, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सास के बारे में बोलेंगे जो उन पर बीता है, आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क डूइंग इन किचन, और जो सुने होंगे वही बात करती हैं औरतें। और अगर वो आपको गॉसिप लगता है तो वो आपकी गलती, क्योंकि मैंने देखा है आदमी तो औरतों की बुराई करते हैं, औरतें तो औरतों की बुराई कर रही होंगी ना, जिसे हम बुराई समझते हैं कि बुराई कर रहे हैं, तो औरतें तो औरतों के बारे में बता रही, लेकिन आदमी तो उस लेवल तक पहुँच गए हैं जो औरतों की बुराई कर रहे हैं। सो दे शुड लर्न मोर एंड अंडरस्टैंड वुमेन। I think I should stop this video. We already 22 minutes and 40 seconds. तो लिंक टूट जाता है, कुछ हाई पीक पे कुछ आता है और तब तक फिर ओके बाय।